बट गाइस नेदर कहाँ पे यार, अभी मेरे को नेदर नहीं मिल रहा है यहाँ पे यार। हेलो गेमर्स, वेलकम बैक एंड गाइस, आज हम दोबारा जा चुके हैं हाइपर स्काइप लोग सर्वर में। एंड गाइस काफी सारे बंदों की कमेंट आ रहे थे कि भाई हाइपरक्राफ्ट के ऊपर वीडियो लेकर आओ, तो गाइस फाइनली आ चुकी है हमारा हाइपरक्राफ्ट के ऊपर वीडियो। एंड गाइस अभी तक वीडियो न आने का रीजन भी यही था कि भाई यार इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, मतलब यार कभी भी सर्वर ऑफलाइन हो जाता है, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। ऑलराइट यार गाइस, पिछले वाले वीडियो तक मैंने तुमसे पूछा था कि भाई मिनियंस की स्लॉट को कैसे अनलॉक करें, तो तुम में से काफी सारे कमेंट आए थे कि भाई यार जितने ज्यादा मिनियन बनाओगे उतने ज्यादा स्लॉट अनलॉक हो जाएंगे। तो गाइस यार मैंने ऐसा करके भी देखा बट ऐसा कुछ हुआ नहीं यार, मैंने बहुत सारे मिनियन बनाए बट मेरा स्लॉट तो अनलॉक हुआ ही नहीं। फिर गाइस यार मैंने एडमिन से बात की तो मेरे को पता चला कि भाई इस सर्वर में अभी 3 मिनियन ही पॉसिबल है, मतलब वो ज्यादा मिनियन एफर्ट नहीं कर सकते। एंड गाइस यार मेरे को एक बात और पता चली कि अगर तुम्हारे मिनियन की हेल्थ अगर 0 हो जाती है तो तुम अपने उसी आइटम से, मतलब लाइक के समझ लो कि वाला मिनियन अपना ये आइटम प्रोड्यूस करता है, तो गाइस यार जब इसकी हेल्थ 0 हो जाती है तो हम यहाँ पर इसी ऊट से अगर इस पर क्लिक करेंगे तो भाई यार इसकी हेल्थ वापस से फुल हो जाने वाली है। मीन्स गाइस जो मिनियन जो भी चीज प्रोड्यूस करता है उसी चीज से अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे तो भाई यार वो वापस से हील हो जाएगा, मतलब उसकी हेल्थ फुल हो जाएगी। गाइस मेरे को ये बात तो समझ में आ गई बट ये समझ नहीं आ रहा था कि इसको फूड खिलाओ कैसे, मतलब गाइस मैंने इसको गाजर खिलाने की कोशिश की, तरबूज खिलाने की कोशिश की बट वो खाता ही नहीं है यार। एंड ऊपर से गाइस मैंने यहाँ पर ब्रेड बनाने की भी कोशिश की लेकिन ब्रेड तो यहाँ पर बन ही रहे, मतलब बहुत ज्यादा ट्राई किया मैंने तब भी जाकर मेरे को ब्रेड नहीं मिले यहाँ से। तुम्हारे सामने भी मैं ट्राई करके बता देता हूँ, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मेरे को ब्रेड ही नहीं मिल रहा है, मतलब रेसिपी नहीं बता रहा है ब्रेड की। गाइस मेरे पास एक आयरन का मिनियन रखा है, इसको लगा के बताता हूँ मैं इसके बारे में तुमको। तो गाइस यहाँ पर लगा देते पहले इसको सेंटर में, देन गाइस यार अभी काम नहीं कर रहा है बिकॉज यार इसकी हेल्थ 0 हो रखी है, मतलब मैं तुमको खुद ही बता देता हूँ। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस हमको जाना है यहाँ पर आयरन मिनियन में। देन गाइस यार यहाँ पर अभी तुम इसकी हेल्थ देख सकते हो 0 हो रही है और इसका फूड लेवल भी 0 हो रखा है, मतलब गाइस ये किसी काम का नहीं है अभी। एंड गाइस अभी इसको हील करने के लिए मेरे को चाहिए आयरन की कुछ और, तो फटाफट से इनको यहीं से मान कर लेते हैं। एंड उसके बाद गाइस मैं तुमको बताता हूँ इसके बारे में कि किस तरह से काम करता है। गाइस अभी मेरे पास 15 आयरन और हो चुकी है, देन यहाँ पर इसको क्लिक करना है सिंपली। गाइस एक बार मैं क्लिक करता हूँ, गाइस जैसे मैंने क्लिक किया मेरे सारी ओर इसके अंदर लग चुकी है, अभी इसकी हेल्थ बताता हूँ मैं तुमको। यहाँ जाना है अपने को, देन गाइस इसके बाद एक और पेज खुलेगा। नाउ गाइस अभी तुम देख सकते हो इसकी हेल्थ हो चुकी है 75, मतलब गाइस अगर ये डेथ हो जाती है इसकी तो इसको तुम वापस हील भी कर सकते हो। एंड हील करने के लिए तुमको उसी आइटम का यूज करना है जो ये प्रोड्यूस करता है। गाइस ये वाली बात तो मेरे को क्लियरली समझ में आ चुकी है बट यार इसके फूड के बारे में अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं है, तो भाई यार तुमको बताओ मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना यार। एंड गाइस यहाँ पर मैंने एक आर्मर बनाने की ट्राई किया था, मतलब ये सुगरकेन वाला कोई सा आर्मर जिसको मैंने ट्राई किया है, लेकिन गाइस ये भी काम नहीं कर रहा, मतलब मैंने इसको लगाया यहाँ पे तो कुछ एक्शन नहीं मिल रहा, मतलब कुछ बन ही नहीं रहा यहाँ पे। एंड गाइस अगर तुमको बताओ कि क्यों नहीं बन रहा है तो यार बता देना मेरे को, बिकॉज यार गाइस मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा। आई थिंक इसके अंदर कुछ लेवल सा लफड़ा होगा लेकिन वो भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कितने लेवल पे क्या खुलेगा, कुछ भी ठीक से पता ही नहीं चल रहा है मेरे को। एंड गाइस इस सर्वर की मेरे को एक बात और अच्छी लगी कि यहाँ पर तुम मिनियन को चेस्ट से भी अटैच कर सकते हो। उसके लिए गाइस सिंपली तुमको जाना है मिनियन के ऊपर, देन यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर कुछ नहीं करना, तुमको यहाँ पे जाना है। देन गाइस यार तुम्हारा सेंटर में एक यहाँ पर होगा लिंक चेस्ट, तो यहाँ पर एक बार क्लिक करना है। एंड गाइस जैसे यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी तुम अभी अपनी नई चेस्ट लगाओगे वहाँ पर, मतलब आई थिंक गाइस तुम यहाँ पर समझ सकते हो, आई थिंक इस पर क्लिक करेंगे तो भी हो जाता है। तो गाइस अभी तुम देख सकते हो ये लिंक हो चुकी है उस मिनियन से, ना वो जो भी प्रोड्यूस करेगा उसकी इन्वेंटरी फुल होते से इसमें आ जाने वाला है। गाइस यहाँ पर तुमको काफी सारे आर्मर्स देखने को मिल जाते हैं बट गाइस यार मेरे को ये वाला बनाना बिकॉज इससे हमको थोड़ी सी स्पीड मिल जाएगी। एंड गाइस यहाँ पर मॉब स्पॉन होते हैं, यही बस इस तरह की थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है, मतलब इसमें मॉब वगैरह तुमको देखने को मिल जाते हैं एंड इनको तुम मार भी सकते हो। गाइस अभी के लिए हम चल रहे हैं नेदर, एंड भाई वहीं पर हम फाइट करने वाले हैं कुछ ब्लेज वगैरह से, देखते हैं वहाँ पर ब्लेज मिलती भी या नहीं मिलती है। एंड भाई नेदर का रास्ता कहाँ से यार वो भी नहीं पता मेरे को तो अभी। एंड गाइस क्या यहाँ पर स्पाइडर डंजन में कुछ मॉब्स वगैरह देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं, देखते हैं यहाँ पर चल के। एंड आई थिंक गाइस मेरे को तो अभी तक कोई सा मॉब नहीं दिख रहा है, मे बी यहाँ पर होगा या नहीं होगा ये मेरे को नहीं पता। एंड गाइस यहाँ पर अभी अंधेरा हो चुका है, मेरे को लग रहा है यहाँ पर मॉब स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। गाइस यहाँ पर रात होते से मॉब स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं, भाई काफी सारे मॉब मेरे को दिखने लगे हैं, देखते हैं गाइस यार कितने डेंजरस हैं। एंड मेरे को लगता नहीं है गाइस यार कुछ ज्यादा डेंजरस होंगे, बाकी यार ये विलेजर वाले लग रहे हैं मेरे को, वही नहीं है गाइस कुछ ज्यादा डेंजरस नहीं है, बाकी इनसे एक्सपी काफी अच्छी खासी मिल रही है मेरे को। एंड तुम देख सकते हो गाइस यार कितने जल्दी निपट रहे हैं। गाइस अभी चलते हैं स्पाइडर डंजन को, देखते हैं वहां पर हमको क्या मिलने वाला है। एंड आई थिंक गाइस मेरे को लग रहा है यहाँ पर भी स्पाइडर वगैरह स्पॉन होती होगी एंड मे बी नहीं भी होती होगी। गाइस वाकई में स्पाइडर डंजन या फिर किसी का बसा हुआ गाँव पुराना जो उजड़ चुका है अभी, भाई सामने यहाँ पर तो बहुत खतरनाक डेंजर बना पड़ा है यार। एंड यहाँ पर तो कोई सा मॉब भी नहीं दिख रहा, बाकी यार गाइस यहाँ पर काफी खतरनाक वाली फील आ रही मेरे को आने के बाद। गाइस तुम देख सकते हो यार वहाँ पर स्पाइडर है एंड मेरे को लग रहा है यहाँ पर धीरे धीरे काफी सारे स्पाइडर्स स्पॉन हो जाएगी। एंड देखते हैं यार इसकी कितनी पावर्स है, क्या ये मेरे को मार पाएगी नहीं मार पाएगी। गाइस देखो यहाँ पर माइन के बारे में मेरे को पता है, वुडलैंड के बारे में मेरे को पता है, बट यार नेदर कहाँ पे है, यहाँ पे नेदर है भी या फिर है ही नहीं यार। एंड गाइस सामने तुमको देखने को मिल जाएगा बीच वाला फॉरेस्ट, एंड मेरे को पता है वो तो तुम जानते ही होगे सामने ही दिख रहा है, बट गाइस यार नेदर कहाँ पे यार, अभी मेरे को नेदर नहीं मिल रहा है यहाँ पे यार। एंड गाइस यार यहाँ पर पता नहीं क्या ही मतलब प्रॉब्लम अच्छी पड़ी सर्वर के अंदर, तुम देख सकते हो अभी बर्न में कब से लावा स्पॉन होने लगा यार।
एंड मैं यहाँ पर कुछ कैरेट वगैरह काटने गया तो फिर मैं आगे नहीं जा पाया, मतलब मैं आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ वहाँ से। एंड गाइस सर पता नहीं कैसे वहाँ पर लावा आया, आई थिंक गाइस सर इसमें कुछ ग्लिच वगैरह चल रही है अभी, एंड ये पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ है अभी सर्वर। गाइस सर अभी मेरे को नेदर का रास्ता नहीं मिल रहा है, छोड़ते यार उसी को, अपन चलते हैं अभी माइन को। एंड उससे पहले यार गाइस मेरे पास कुछ सामान रखा तो अपने बाजार में बेच देते हैं। यहाँ से जाना है गाइस अपने को सेल इन्वेंट्री। एंड गाइस अपने पास मतलब टोटल मिला के 82 कॉइन्स का सामान रखा है, तो सेल करते हैं इसको फटाफट से। देन गाइस यहाँ पर कंफर्म करना है अपने को। ऑलराइट गाइस सर अभी हमारी इन्वेंट्री पूरी तरह से खाली हो चुकी है, चलते हैं फटाफट से अपनी माइन को। एंड यार वहीं से डायमंड वगैरह माइन करके लाते हैं, बाकी यार अपना फॉर्चून काम करती है वही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। एंड गाइस सर फॉर्चून का यूज करके हम काफी ज्यादा मनी अर्न कर सकते हैं, मतलब उनसे जो डायमंड वगैरह मिले उनको बेच सकते हैं एंड उससे हमको अच्छी खासी मनी मिल जाती है यार। गाइस अभी हम चलने वाले डायमंड माइन को, एंड वहां पर मैं जानता हूँ काफी सारे मूव मिलने वाले अपने को, लेकिन कोई ना यार अभी किसी काम के नहीं हो, मतलब उनसे ऐसे ही फाइट ले लेते यार अभी तो। गाइस सर आई थिंक इस सर्वर में फॉर्चून काम करती भी है नहीं करती, मतलब यार मैंने ब्लॉक तोड़ रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर फॉर्चून से कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है यार। खैर गाइस यार पर फॉर्चून काम नहीं कर रही तो बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा माइन करने का। एंड मैं सोच रहा हूँ गाइस अभी हम फॉरेस्ट को चलते हैं, वहीं से कुछ वुड वगैरह काटते और उन्हीं को बेचते यार। एंड यहाँ पर काफी सारे मॉब एंड गाइस यार मॉब काफी ज्यादा वीक यार, मतलब इनको ऐसे ही निपट रहा हूँ मैं, तुम देख सकते हो गाइस यार कुछ भी नहीं है यार ये मॉब। एंड मेरे पास पीछे भी आ रहा, देखो भाई देखते से पीछे से आता है जैसे मेरे को मार देंगे। गाइस इन्हीं रीजंस की वजह से यार मैं अभी इस सर्वर के ऊपर वीडियो नहीं डाल रहा था, फिर भी यार तुमने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की तभी जाके मैंने इस वीडियो को लेकर आया हूँ, एंड बाकी तुमको समझ में आ चुका होगा यार अभी ना। गाइस सर अभी चलते फटाफट से फॉरेस्ट को, मे भी यार वहाँ से हमको कुछ अच्छा मिले। एंड उससे पहले गाइस यार अपने लंबर जेक वाले के पास चलना है, वहीं से कुछ एक्स वगैरह खरीदते यार। गाइस ये रहा अपना लंबर जेक वाला बंदा, एंड इसी से काम चलने वाला है अभी। एंड इसके पास आई होप यार कोई से अच्छी वाले पिकेक्स हो, सॉरी गाइस एक्स हो। तो गाइस यार देखो इसके पास रॉकी एक्स है जो कि एफिशिएंसी 1 वाली है, देन इसके पास स्वीट एक्स भी है। भाई ये किस काम आती है यार, 20% चांस टू ड्रॉपिंग एप्पल, मतलब एप्पल मिल सकते हैं इसे उसके चांसेस है। गाइस इस अगर एक्स को मैं खरीदता हूँ तो मेरे को एक वुड के आई थिंक 5 प्लैंक्स मिल सकते हैं यार। गाइस अभी के लिए मैं इसी को खरीद रहा हूँ, एंड आई थिंक यार ये हमारे काम ही आने वाली है अभी। गाइस यार अभी प्लैंक बिक जाने चाहिए, अगर नहीं बिके ना तो भाई अपने को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है ना। गाइस अभी चलते फटाफट से अपने सामने वाले वुड को, एंड उससे ऊपर जाना है थोड़ा हमको, मतलब मैं ओकेशन वुड को काटने का सोच रहा हूँ। गाइस अभी हम कलेक्शन में चलते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं अभी। तो यहाँ से जाना है अपने को अपने ये फोर्जिन वाले कलेक्शन में। एंड गाइस अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारा स्प्रूस वाली अनलॉक है, देन यहाँ पर बीच वाली भी अनलॉक है, एंड ओक वाली अनलॉक है। बट गाइस सर हमारे पास ये तीन चीजें और अनलॉक नहीं है, तो इनको भी अनलॉक करते यार। एंड उसके लिए गाइस अपने को आगे चलना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर रुकने से काम नहीं चलने वाला है। आई थिंक गाइस ये डार्क वुड वाली बायो में है, एंड यहाँ से हमने बिल्कुल भी वुड वगैरह नहीं काटा, जिसको काट के देखते हैं एंड मे बी यार कुछ नई चीजें अनलॉक हो जाएगी अभी। सो गाइस सर मेरे को 2 मिनट दो, फटाफट से थोड़े बहुत वुड इकट्ठे करने के बाद मिलता हूँ। ऑलरेडी गाइस अभी चलते फटाफट से थोड़ी आगे वाली बायोम को, एंड यहाँ पर अभी हो चुके हैं हमारे पास थोड़े बहुत, मतलब 3-4 स्टेक के करीब हो चुके हैं प्लैंक्स। एंड बाकी गाइस सर तुमको सुगरकेन वाले अपने आर्मर के बारे में कुछ आइडिया मेरे को बता देना यार, बिकॉज गाइस मेरे को इसे स्लो स्लो चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एंड भाई देखो मैं वापस रिवर्स आ गया, भाई गलती कर दी यार, मेरे को साइड से निकलना था। गाइस ये वाली बायोम मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज यार इसके वुड जो ओकेशन वाले होते हैं वो कहीं पर भी अगर हम लगाते तो काफी ज्यादा ओपी लगते हैं यार। नौ अभी चलते गाइस अपनी लास्ट वाली बायोम की, आई थिंक मेरे को लग रहा है जंगल वुड वाली बायोम होगी, एंड मे भी हो सकता है दूसरी हो यहाँ पे। ऑलराइट गाइस सर ये हमारे जंगल वुड वाली ही बायोम, एंड भाई काफी ज्यादा बड़ी बायोम है यार। गाइस अभी अपने सारे वुड को सेल करते हैं बाजार पे, देखते कितने पैसे मिलने वाले हैं अपने को। वुड गाइस सर यहाँ पर कितने ज्यादा सस्ती चीजें, मतलब 7.5 कॉइंस, मतलब गाइस सर ये प्लैंक बिकते नहीं है क्या, मतलब मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ तो बिकी नहीं, मतलब ऑप्शन ही नहीं शो कर रहा है यार बेचने का। देन अगर यहाँ पे जाता हूँ मैं तो गाइस यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं आ रहा, मैंने गलती कर दिया, मेरे को लग ही रहा था कि यहाँ पर ये प्लैंक वगैरह नहीं बिकेंगे यार। गाइस अभी हम बनाने वाले एक मैजिक वाटर बकेट, उसके लिए गाइस मेरे को चाहिए होगा लेपिस, वो भी इंचेंटेड, तो फटाफट से खरीदते हैं, देखते हैं अपने को कितने प्राइस में पड़ने वाला है ना। गाइस इंचेंटेड लेपिस मेरे को पड़ रहा है, इसकी बोइंग प्राइस है 25 रुपए, तो आई थिंक गाइस मेरे को यहाँ से चाहिए 5, तो अपने को पड़ना वाला है मतलब 250 रुपए में पड़ने वाला है, आई थिंक हम ले सकते हैं इतना। तो देन यहाँ पे क्लिक करना है, देन जाना अपने को कस्टम में, एंड कस्टम में जाने के बाद मेरे को यहाँ पर इंटर करना है 5, तो मैं डालता हूँ 5, देन यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। नाउ गाइस अभी खरीदते हैं थोड़े बहुत शुगर केन, एंड शुगर केन मेरे को पड़ रहे, मतलब एक शुगर केन पड़ेगा मेरे को 20 रुपए में, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ गाइस 100 रुपए के, मतलब मेरे को 5 लेने हैं। नाउ गाइस अभी चलते फटाफट से अपने आइलैंड को, एंड बनाते हैं अपना मैजिक वाटर बकेट। एंड उसके लिए गाइस अपने को कुछ इस तरीके से रखना है सामान, मतलब एक यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे, यहाँ पे, एंड एक यहाँ पे, एंड एक यहाँ पे। ऑलराइट गाइस यार बन जाना चाहिए, बट ये क्यों नहीं बन रहा यार, अभी एक बार क्लिक करते दोबारा से ट्राई करते, हो सकता है अभी बन जाए। तो यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और एक यहाँ पे। गाइस देखो यार इस बार भी नहीं बना, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम चल रही है यार, ये क्यों नहीं बन रहा है। सो गाइस यार अगर तुमको बताओ कि यार ये आइटम्स क्यों नहीं बन रहे तो मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। एंड गाइस जैसे हमारा वो आर्मर बन जाता उसके बाद इसमें प्ले करने में मजा आएगा। एंड यार अभी तो अपना वही आर्मर नहीं बन रहा है, मेरे को पता भी नहीं कि वो कैसे बनेगा, तुमको बताओ तो गाइस यार थोड़ा बहुत मेरे को बता देना कमेंट करके। एंड गाइस यार इस वाले सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू जरूर करना चाहता हूँ, बट यार इसके बारे में मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। एंड गाइस जैसे इसके बारे में को सब कुछ पता चल जाएगा मैं सीरीज को आगे कंटिन्यू जरूर करूंगा। सो इसी के साथ गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।